जी, आपका नाम? नवीद मीर। अच्छा नवीद मीर साहब, ये बताइए कि अभी ये कुछ दिन पहले टीवी पे लाइव टेलीथॉन चली है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और मौलाना तारिक जमील साहब भी आए थे, तो उसमें उन्होंने कुछ दुआ करवाई और मीडिया को कुछ कहा कि मीडिया चोर है या झूठा है। तो आप ये बताइए कि उसके बाद फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने आके एक चैनल पे माफ़ी मांगी, तो आप क्या कहते हैं कि माफ़ी उन्होंने सही मांगी या उन्हें नहीं मांगनी चाहिए थी? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि उन्होंने माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि उन्हें वो इस बात को इस ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन जिन के ऊपर ये जद पड़ी है झूठा कहने के, आप ये देख रहे पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जाता है, और वो क्या है आपके पास हथियार, वो मीडिया है, और मीडिया को आप, मैं भी या आप भी, कोई भी बंदा पैसे दे दे वो उसकी खबर लगा देंगे जैसे वो कहेंगे, क्योंकि मीडिया को पैसे चाहिए, उन्होंने अपना चैनल चलाना है, उन्होंने अपनी अखबारात निकालनी है, उनका इसके साथ कोई तलक नहीं, कोई सच्चाई या झूठा है। और इनके पीछे भी कुछ, क्योंकि कुछ ग्रुप थे, मौलाना जमील साहब ने उनकी तारीफ कर दी, क्योंकि जो मुखालफीन हैं उन्होंने तो इनको वो बात फिर वही है कि वो लिफाफा दिया और उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, और वो सारा मसला पोलिटिसाइज हो गया। उसमें ये कोई नहीं है कि कोई, वो एक अच्छा बंदा है, अभी तक उसको कोई साबित नहीं कर सका। मुखालफीन भी कहते हैं लेकिन मीडिया पे आके जो सारे झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोलते हैं, हालांकि सबको पता है कि वो बंदा ईमानदार है। अगर मैं कहता हूँ कि चलो उसमें थोड़ा बहुत भी झूठ है, अगर वो 100% है तो वो तो फिर रिश्ता है, फिर इंसान नहीं है। इंसान लफ्ज़ निकला है, अरबी का लफ्ज़ है निसान, जिसका मैंने गलती, इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करता है, इंसान से गलती होती है, ये तो कोई कह नहीं सकता। बाज़ औक़ात गैर इरादी तौर पे भी इंसान, अभी मैं आपको बताऊं कि मैं ये जो फ्राइडे था मैं नमाज के लिए गया, तो मुझे पुलिस वाले ने कहा मस्जिद में दाखिल होने से पहले कि आप मुझे ये बताएं कि आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, फिर कहता है आपकी उम्र 50 साल है। अब बात यह है कि मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो फिर तो मैं जुम्मा पढ़ लेता हूँ, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो फिर जुम्मा मेरा गया। मैंने उससे साफ कहा, मैं कहा यार बात यह है कि मैं फिज़िकली फिट हूँ, मेरी उम्र जो है 50 से ऊपर है। उसने कहा जी साइड पे हो जाए, आप जाएँ, इधर खड़े ना हो, घर जा के पढ़े। तो बाज़ औक़ात इंसान अच्छे काम के लिए भी झूठ बोल जाता है, तो ज़रूरत नहीं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो माफ़ी मांगी है, उन्होंने उस बात को तूल नहीं दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि क्योंकि जो उनके मुखालफीन हैं खान साहब के, वो दूसरी जमातें हैं, वो इस बात को खाम खा तूल देना चाह रहे हैं और उनके उनको खाम खा मुलवस कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है। शुक्रिया। बहुत फटक साहब, आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए शायद भाई, ये जो आपने सवाल पूछा है या जो मसला ज़ेरे बहस है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम इसको एक दो लम्हों में या दो चार बातों में जुमलों में उसको कर सकें। इसके पीछे समझने के लिए इसकी पूरी एक बैकग्राउंड को हमें देखना पड़ेगा कि जिस दिन ये फंड रेजिंग की कंपेन चल रही थी, तो मौलाना तारिक जमील साहब को जब दुआ के लिए कहा गया, उन्होंने दुआ से पहले कुछ कलमात कहे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तमाम कौम को, 22 करोड़ आवाम को उन्होंने कहा कि जी 22 करोड़ लोग चोर हैं और एक शख्स ईमानदार है। और उसके बाद उन्होंने मीडिया के किसी मालिक के हवाला दे के कहा कि जी वो उससे मेरी बात हुई, तुम मीडिया में झूठ क्यों बोलते हो? उसने कहा जी हमारा जो चैनल है झूठ के बगैर चलता नहीं है, तो चैनल झूठ बोलते हैं, 22 करोड़ आवाम जो है वो चोर है, वो करप्ट है, बददियानत है, और एक शख्स जो है ना वो ईमानदार है। अब मलिक साहब बात यह है कि एक शख्स की ईमानदारी के ऊपर ना हम में से किसी को कोई डाउट नहीं है। असल जो तनाज़ा तेरे बहस आया वो ये आया कि 22 करोड़ अवाम को चोर करार दे दिया गया एक ही सफ में। यकीनी तौर पे हम बहसीत कौम चोर हैं, बहसीत कौम हम में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी हम में कमियां हैं, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले तारिक जमील साहब ने एक बयान दिया था कि अवाम जैसी होती है वैसा हुक्मरान होता है कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब उनका मौकफ जो है इसमें थोड़ा सा बदल गया है, अब अवाम चोर है, हुक्मरान नेक है। अच्छा, जो मीडिया में उसके बाद उनको बुलाया गया और जब मीडिया में आए, उन्होंने जब उसमें मदद की, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने कद और काठ में इजाफा किया है,
उन्होंने एक सही माने में आलिम होने का वो करते हुए अपनी गलती को महसूस करते हुए, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने माफ़ी मांगी, मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो माजरत की है उन्होंने एक अपनी बड़ाई का इजहार किया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हम ये कहते हैं मीडिया में या जो साफियों की आज़ादी साफ़त के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने सच्चाई के लिए ज़ियाउल्लाह दौर से ले कर अब तक कोड़े खाए हैं, क़ैदोबंद की सुबतें बर्दाश्त की हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जिनको पैमरा की वजह से और हुक्मरानों की वजह से उनकी मुलाजमतों से फारिग किया गया। तो हम ये कहेंगे जी वो सारे चोर हैं या सारे हुए हैं, अब मुझे ये बताएं कि अगर वो सारे चोर हैं तो मौलाना तारिक जमील साहब आज भी हर रोज़ किसी ना किसी टीवी के ऊपर आके बैठ के जो तकरीर करते हैं, फिर छोड़ दें मीडिया में आना, जब सारा मीडिया चोर है सारे करप्ट हैं वो फिर मीडिया के सारे तो मशहूर हुए हैं। और आखिर में मैं ये सिर्फ बात कहूँगा कि जो एक इतनी बड़ी जमात कि जो लाखों के इज्तम मनक़द करती है रायमंड में, इस्लामाबाद में, दीगर जगहों के ऊपर, अगर वो लाखों के इज्तम करने वाली जमात अगर चंद ईमानदार लोग पैदा नहीं कर सकी तारिक जमील साहब के बकोल, तो मेरे ख्याल में फिर उनको इस किस्म की तबलीग की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी ज़्यादती है पूरी आवाम को एक साफ में रखना। और दूसरी बात ये एक और आखिरी बात अगर आप इसको पेश कर सकें, तारिक जमील साहब काबिल एहतराम है लेकिन उनसे रायमंड के किसी इज्तम में दुआ नहीं कराई जाती, लेकिन अब हम जो है इंटरनेशनली पूरे दुनिया में उनकी दुआ के लिए पेश करते हैं, अच्छी बात है अच्छी दुआ कराते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रख लें कि उनसे रायमंड के इज्तम में दुआ इख्तितामी नहीं कराई जाती। बहुत शुक्रिया आपका जी। आमिर भाई आपने क्वेश्चन सुना है, हाँ जी, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो ये है कि इतना बड़ा इशू नहीं था उनके, मौलाना साहब के जो है ना वो अल्फाज सियाक़ो सबाक से हट के उन्होंने सब ले लिए हैं, मतलब वो फिल्म दी वो एक सिलसिला होता है, हर बंदा कहता है कि ये पूरा मोहल्ला, मतलब एक बंदा वो है यार मोहल्ला ये इलाका ही ऐसा ही है जी, उन्होंने वो अल्फाज कहे हैं दुआ, मतलब जो भी है मेन इशू था कि उन्होंने इमरान खान की उधर तारीफ कर दी थी सबको, ज़्यादा ये लफाफा साफ़ी जो भी है ना ज़्यादातर उनको वो इसी वजह से ज़्यादा दुख हुआ कि अक्सरियत वो दूसरी पार्टियों के साथ उन वो लफाफे शाफे सिलसिला इनका चलता रहता है, तो वो मेन इशू उनको ये था दुख, जिस बात उन्होंने बस उस एक पॉइंट नोट कर लिया तो मौलाना साहब को उन्होंने जो रगड़ा दिया है सीधी सी बात है, तो ऐसा मतलब मेन इतना ज़्यादा इशू नहीं था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी लंबी चौड़ी, वो मीडिया को कहा जब मलिक रियाज ने जब कहा था कि सारे ये बकाऊ हैं उस टाइम ये किसी कोई साफ़ी नहीं उठ के आया उस टाइम, कोई जो एंकर नहीं आया उस टाइम के, मतलब उसने जब इनको कहा ये सारे बकाऊ माल है सारा सब है, उस टाइम इनकी गैरत नहीं जागी थी। जी भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस इशू के बारे में? जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मौलाना साहब ने दुआ कराई, इंतहाई अच्छी दुआ कराई, थोड़ी सी जज्बाती दुआ भी थी, लेकिन उसमें अब ये है कि बाज़ मीडिया जो चैनल्स हैं उनको खामखा इस चीज़ की तकलीफ़ हो गई, ख़ास तौर पे हामिद मीर और अब्दुल मालिक साहब को, और हामिद मीर का आपको पता है जो मालिक है वो वैसे ही कब्ज़ा ग्रुप है, उसने काफ़ी सारी लाहौर में आपको उनका रोज़ आप टीवी पे देखते हैं, उन्होंने गलियों पे कब्ज़े किए हुए हैं, नजायज़ प्लाटों पे कब्ज़े किए हुए हैं, और वैसे ही वो उनका नाम मीडिया फिरौन है मीर शकीलुरहमान का, तो मेरे हिसाब से हामिद मीर ने ये खामखा एक इशू बनाया और अपनी उन्होंने किया है, लेकिन मेरे हिसाब से मौलाना साहब ने किसी चैनल का कोई नाम नहीं लिया था कि जी ये चैनल जो है ये करता है या ये झूठा है या ये सच्चा है, मेरे हिसाब से मौलाना साहब के साथ ज्यादती हुई है और उनके साथ जो है ना उन्होंने अपना कद बड़ा किया है, माफ़ी मांगी। जी हैदर रजा साहब आप बताइए कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो इशू ये चल रहा है मौलाना साहब? वैसे तो ये कि सारे लोगों ने अपना राय दे दी है, मेरी राय के मुताबिक बल्कि ये कि दुनिया में सबको मालूम है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो होनी है वो बिकॉज ऑफ मीडिया, तो मीडिया को जो भी कहा गया या नहीं कहा गया मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि लामा साहब ने क्या किया और क्या नहीं किया, दुआ अच्छी कराई बुरी कराई वो उनका अपना फेल है, बहरहाल जो मीडिया कर रहा है इस वक्त उसका किरदार पॉजिटिव नहीं है हमारे मुल्क पर, इवन पूरी दुनिया में, अभी कोरोना के केस में देख लें कहीं झूठ कहीं सच चल रहा है, सारे आवाम जानती है इस चीज़ को, लेकिन मीडिया ही है जो कि थर्ड वर्ल्ड वार करवाएगी इंशाल्लाह जो नज़र आ रहा है हमारे इनकी हालात से। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है मीर साहब का, 30 अप्रैल को उन्होंने अपने ही एक टॉक शो में जब स्टार्ट लिया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मीडिया पर आकर जो झूठ बोलेगा वो उसको अल्लाह की लानत उस पर, ये मीर साहब ने खुद कहा है, और उन्होंने साथ कहा कि जी अलामा साहब ने माफ़ी मांग ली, हमने दरगुजर कर दिया ख़त्म हो गया, लेकिन
उन्होंने ख़ुद पहले ये कहा मीर साहब ने माशाल्लाह कि जो मीडिया पर झूठ बोलेगा उस पर अल्लाह की लानत। और कुछ अर्सा पहले उनका एक रिकॉर्ड किया, वो मेज़बान थे, मेहमान उस मेज़बानी सॉरी मेहमान थे, मेज़बान कोई और था, उनसे सवाल किया गया कि ये झूठ और ये सच कौन फैला रहा है, तो उन्होंने कहा जी ये ड्यू टू मीडिया है। तो आप खुद सोच लें कि वो क्या है। आप आजकल के फेसबुक पर देख लें, क्लिप चल रहा है उनका कि एक जगह वो कह रहे हैं कि अल्लाह की मार उस पर, और दूसरी जगह खुद ही कह रहे हैं कि मीडिया जो है 90% वो चोर है। तो अब इसमें आप खुद दूसरी राय तो कोई है नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है लामा साहब का, वो इस पर बहस शुरू हो जाती है कि वो खतीब हैं, वो ये हैं फलां, बहरहाल हम इस बहस में नहीं जाते। जो भी हैं वो अल्लाह का नाम ले रहा है, ठीक है, गलती इंसान से हो जाती है, और उससे माफ़ी मांग के रास्ता दे दिया ताकि इस मसले का मज़ीद प्रॉब्लम ना बने इस दुनिया में। थैंक यू वेरी जी। ये जो इशू चल रहा है वकार भाई, आप बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो मौलाना तारिक जमील साहब और मीडिया के दरमियान है। इसमें मेरा ख्याल है मीडिया सरासर गलत है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कोई यानी उन्हें मीडिया सबको बोला है ना, किसी एक को नहीं बोला, मगर कुछ जो एंकर हैं उन्होंने इसको अपने ऊपर ले लिया है। वो मौलाना साहब का बड़ा पन था जो उन्होंने माफ़ी मांगी और इशू को ख़त्म किया है, तो इसमें बात ख़त्म हो गई सारी। ऐसा वैसे उनको ऐसा मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सारा इशू। आप क्या कहते हैं मीडिया ने गलत किया है? ये मीडिया ने गलत किया है जी, मीडिया को इसको इशू को इतना आगे नहीं ले जाना चाहिए, हाईलाइट नहीं करना चाहिए, नहीं इतना। जी 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 शाहिद साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस इशू के बारे में? सर जहाँ तक तारिक जमील साहब की बात है, उन्होंने बिल्कुल ये गलत कहा कि मीडिया 100% झूठ बोलता है। मीडिया 10-20% सच भी बोलता है। अगर आपको यकीन नहीं, आप अपना टीवी लगाएं, सामने टाइम आ रहा होगा, डेट आ रही होगी, वो सच है। मीडिया ये नहीं कह सकता कि ये फलाने साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनका जो नाम लेगा वो सच है, बाकी अगर थोड़ा बहुत झूठ है तो वो मीडिया की अपनी बात है। उस मीडिया की बात आप कर रहे हैं कि जिन्होंने तारिक जमील साहब की माफ़ी के फौरन बाद उनको कहा जाता है एक एंकर की तरफ से कि मौलाना साहब आप ये बताएं कि आपको अरयानी फाहशी कहाँ नज़र आती। वहाँ पे माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि अगर हम कमर्शल्स देखें, अगर हम मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर सारी डिटेल जा के देखें, तो आपको नज़र आएगा कि सिंपल सी बात है, साबुन शैम्पू के आप कमर्शल देखेंगे, नीम बरहना औरत को जब ये ले के आते हैं स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ फ़र्क क्या है, नीम बरहना औरत उनकी नज़र में मौलाना साहब की नज़र में गलत है, वो उसको गलत कहेंगे। कंप्लीट बरहना ये चाहते हैं, मीडिया चाहती है कंप्लीट बरहना, ठीक है, ये गलत है। मैं ये समझता हूँ कि अब आप अपने मीडिया को, वो मीडिया फिर मैं माजत करूँगा जो रैप की हुई बच्ची के घर में घुस जाता है और उसको जाके क्रिटिसाइज करता है कि आप बताएं आपके साथ क्या हुआ, वो मीडिया जो एक कातल के घर में घुस जाता है, एक मकतूल के घर में घुस जाता है, उसके व्यूज़ लेता है कि ये आपके साथ कैसे हुआ, मैं इसको कतई तौर पे पसंद नहीं करता, ये गलत है। मीडिया का किरदार इसमें बिल्कुल नेगेटिव है। थैंक यू वेरी मच। Yeah, I'm going to go to the hospital.